रात्रि क्लास चल रहा था, 20-12 68 का पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 लाख योनियों में नहीं जाते हैं, अर्थात 84 लाख योनियां जैसे जैसे कर्म करती हैं वैसे वैसे मनुष्य आत्माएं कर्म कर सकती हैं, परंतु 84 लाख योनियों में नहीं जाती हैं। 84 लाख योनियां तो होती हैं, परंतु मनुष्य आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है। ऐसे ऐसे बहुत टॉपिक निकाल करके सहज सहज तुम बच्चे समझा सकते हो। बताओ कि हमको भगवान क्या पढ़ाते हैं और शिव भगवान कैसे पढ़ाते हैं। भगवान है तो जरूर नई बात बताएंगे, और अन्य आत्माओं की तरह नहीं बताएंगे, क्योंकि भगवान तो निराकार है। जरूर कोई न कोई तन में प्रवेश करके बताएगा। कहाँ कहाँ यादगार मंदिरों में बैल भी दिखाती हैं। और गीता में रथ भी मशहूर है। शिव निराकार है, ज्योतिबिंदु है, ज्योतिबिंदु का बड़ा रूप शिवलिंग बनाया है, वो शिवलिंग भी निराकारी तेज की यादगार है, क्योंकि जिस भी मनुष्य रूपी रथ में प्रवेश करते हैं वो हाथ पांव नाक कान आदि इंद्रियों के स्मृति से परे हो जाता है, इसलिए निराकार की यादगार शिवलिंग मंदिरों में रखी हुई है। परंतु शिवलिंग निराकार बैल पर सवारी कैसे करेगा, तो शंकर को सवारी दिखाई हुई है। एक ही ऐसी मूर्ति है जो संसार में सबसे जास्ती नग्न मूर्तियों के रूप में दिखाई जाती है, खुदाइयों में भी वो नग्न मूर्ति सबसे जास्ती तादाद में मिली है। मूर्तियों के रूप में, विग्रह के रूप में शंकर की मूर्ति कहो, तीर्थंकर की मूर्ति कहो, एक ही मूर्ति सबसे जास्ती तादाद में मिली है। बाकी उससे जास्ती तादाद में शिवलिंग मिली है।
लिंग में और बिंदु में अंतर होता है। जैसे बाबा मुरली में कहते हैं, सूक्ष्म रूप को याद नहीं कर सकते हो तो मेरे बड़े रूप को याद करो। सूक्ष्माति सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु मेरा सूक्ष्म रूप है और लिंग तो चाहे जितना बड़ा बना दो, क्योंकि महिमा तो तब होगी जब वो बिंदु कर्म इंद्रियों से कोई कार्य करके दिखावे। तो बड़ी महिमा कैसे दिखाई जाए? तो बड़ी महिमा दिखाने के लिए लिंग को बड़ा आकार दे दिया है। आत्माओं की यादगार शालिग्राम छोटे छोटे दिखावेंगे और रुद्रयज्ञ रचते हैं तो लिंग बड़ा दिखावेंगे। वो बड़ा रूप जरूर साकार स्वरूप की यादगार है। जो पुरुषार्थ संपूर्ण होने के बाद शिव बाप समान निराकारी स्टेज को पकड़ लेता है, जैसे कि हाथ पांव नाका कान है ही नहीं, बाकी ऐसे नहीं है कि शंकर को कर्मेंद्रियां होती ही नहीं है। इतनी याद में गहराई होती है कि कर्मेंद्रियों की स्मृति नहीं रहती। वो स्टेज दिखाने के लिए शिवलिंग दिखाया गया है और उसमें बिंदु अति सूक्ष्म स्टेज में भी दिखाते हैं, जो शिव की प्रवेशता की यादगार है। ऐसी निराकारी स्टेज धारण करने के बाद दुनिया की कोई भी जानवरियत के स्वभाव वाली आत्मा कैसी भी राक्षसी आत्मा क्यों न हो, उसमें प्रवेश करके उसके कार्य व्यवहार को बदलने की शक्ति पैदा हो जाती है। जैसे कि एटमिक एनर्जी बनाने वाले बड़े बड़े वैज्ञानिक अति सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, परंतु आसुरी बुद्धि वाले हैं। संसार का भी और अपना भी कल्याण करने के लिए एटमिक एनर्जी तैयार करते हैं, परंतु उनमें वो सात्विक साहस नहीं है जो विश्व कल्याण के लिए उस एटमिक एनर्जी का प्रयोग कर सके। क्योंकि विनाश भी कल्याणकारी कार्य है, परंतु भावना कल्याणकारी चाहिए। बड़ा कार्य है जो संसार में और कोई नहीं कर सकता। कोई भी धर्म पिताएं आते हैं, अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं, वृद्धि करते हैं,
परंतु पुरानी परंपराओं का, पुराने धर्मों का, पुराने राज्यों का, पुरानेपन का विनाश नहीं कर पाते। और जब तक पुरानी परंपराओं का खंडन नहीं होता है तब तक नई परंपराएं पनप नहीं सकती हैं। तो स्थापना तो चाहिए, स्थापना के कार्य के लिए ब्रह्मा को दिखाया हुआ है, परंतु ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, क्योंकि स्थापना का कार्य तब तक अधूरा है, तब तक संसार में प्रत्यक्ष नहीं हो सकती स्थापना, जब तक पुरानेपन का विनाश न हो, पुराने धर्मों का विनाश न हो, पुराण खंडी साधु संत महात्माएं पंडा पुजारी मौलवी पोप इनका पराभव न हो जाए, तो वो कार्य निराकारी स्टेज में ही संभव है। ऐसी निराकारी स्टेज धारण करने वाले को आत्मनिष्ठ कहा गया है गीता में, और बोला है कि आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लग सकता। क्योंकि देवान में रह करके जो कार्य किए जाते हैं उनसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पैदा होता है। अगर देवान ही नहीं है तो पांच विकार भी पैदा नहीं हो सकते, और पांच विकारों के द्वारा जो पाप बनते हैं वो पाप भी नहीं हो सकते। तो दिखाया है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना सब धर्म की, और शंकर द्वारा विनाश असत धर्मों का, अर्थात स्थापना के मुकाबले विनाश का कार्य ज्यादा कठोर है। और वो कठोर कार्य कठोरता के आधार पर ही संपन्न हो सकता है। स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, इसलिए बाबा ने त्रिमूर्ति का चित्र तैयार किया, उसमें ब्रह्मा को सहज आसन पर बिठाकर दिखाया है ताकि साबित हो कि वो लीनेंसी में रहते हैं, कड़क स्वभाव नहीं है, लचीला स्वभाव संस्कार है। और शंकर को कड़क बैठक में दिखाया गया है, वो किसी की कोई बात नहीं सुनता, जो ब्रह्मा के मुख से निकले हुए महावाक्य हैं वो पत्थर की लकीरें हैं, शिव के वाक्य हैं। इसलिए ब्रह्मा से जाकर कोई पूछते थे बच्चे, बाबा घर में बहुत परेशानी है, पूरा परिवार दुखी है परेशान है, हमको शादी करनी ही पड़ेगी, तो बाबा ब्रह्मा बाबा का मन द्रवित तो हो जाता था, बल मुरली में आया है शादी बर्बादी, तो भी बाबा का मन द्रवित मन बच्चे का दुख सुन नहीं सकता। नाम ही है ब्रह्मा,
ब्रह्म ने बड़ी, मामा ने माँ, माताओं में सबसे बड़ी माँ। इस माँ के लिए बोला है, ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है, एक दो की अम्बा नहीं, किसकी अम्बा? सारे जगत की अम्बा। तो माताओं जैसे स्वभाव संस्कार उसमें भरे हुए हैं। बोली नैन्सी के स्वभाव संस्कार विनाश का कार्य कैसे करेंगे? मन द्रवित हो जाता था, कोई मकान बनाने के लिए पूछते थे, बाबा काम नहीं चलता है, पुराना मकान हो गया है, बहुत दुखी है, किराए पर कहां तक लेते रहेंगे, किराए देने वाले मालिक बहुत परेशान करते हैं, तो भी बाबा का मंत्र भी हो जाता, परमिशन दे देते। बल मुरली में बोला हुआ है, प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, सब खलास होने वाला है। ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हें महल माड़ियां अटारियां मिलेंगे। लौकिक सेवा में लगाएंगे तो एक जन्म के लिए सुख मिलेगा, वो भी कोई जरूरी नहीं मिले न मिले, लेकिन ब्रह्मा बाबा का द्रवित मन शिव की मुरली को भी काट देता था। अब शिव की मुरली ही तो ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्म वाक्य के लिए गायन है, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। ब्रह्म वाक्य ब्रह्मा का वाक्य नहीं है, किसका वाक्य है? शिव का वाक्य है। तो बड़ा अंतर पड़ जाता था, वो माता का पाठ था, गायन है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता, ये तू कहकर के किसको संबोधित किया जाता? कौन सी आत्मा के लिए? शिव के लिए। लेकिन वो शिव का रूप शंकर का रूप नहीं है, जो ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाता है। माताएं बच्चों के कल्याण के लिए पति से भी अड़ जाती है, इसलिए बैल का आड़ियल स्वभाव दिखाया जाता है। पति के डायरेक्शन की भी परवाह नहीं करती, बच्चों का दुख उनसे देखा नहीं जाता। बाप तो कठोर स्वभाव का होता है, तो शिव के दो पार्ट हैं, एक ब्रह्मा के रूप में और एक जगत पिता। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो, शंकर के रूप में। जो बैल को शंकर में मंदिर में दिखाया जाता है, वो बैल कोई भगवान नहीं है, वो तो भगवान की सवारी मात्र था।
ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, भगवान की सवारी मात्र था। भगवान माता के रूप में नहीं आते, भगवान तो सदैव पिता के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। माता तो पति से कंट्रोल्ड होती है, भगवान किसी से कंट्रोल्ड नहीं हो सकता। वो तो सारी दुनिया के ऊपर शासन करने वाला है और कठोरता से शासन करने वाला नहीं है, हिंसा से शासन करने वाला नहीं है। जैसे दुनिया में मनुष्य हुए, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, अलेक्जेंडर, वो तो प्यार का शासन चलाने वाला है। फिर भी जो भी ईश्वरीय नियम कानून है उनके ऊपर स्ट्रिक्टली अमल करने वाला है। आज के राजनेताओं की तरह नहीं, जो खुद ही कानून बनाते हैं और खुद ही तोड़ देते हैं। ईश्वरीय कायदे कानून ऐसे मजबूत कानून हैं, कायदे हैं, जिन पर अगर मनुष्य चले तो अपने 84 जन्मों को सुखी बना सकता है, शांति में बना सकता है। तो बताया कि शिव की सवारी रथ पर भी दिखाते हैं, और शिव शंकर भोलेनाथ की सवारी बैल पर भी दिखाते हैं। शिव बाप आते हैं, लक्ष्य लेकर के आते हैं कि मैं इस दुनिया में आया ही इसलिए हूं कि बच्चों को नंबर वार आप समान बनाऊं। मैं निराकार हूं तो मेरे बच्चे भी निराकार विशेष धारण करके मेरे वतन के वासी बने। उन बच्चों में एक ही बच्चा है जो पहले पहले 100% निराकारी स्टेज को धारण करता है। इसलिए एक ही नाम है, एक ही देवता है। ऐसे तो 33 करोड़ देवताएं गए हुए हैं, परंतु शिव के साथ सिर्फ एक ही देवता का नाम जोड़ा जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। सिर्फ भोलेनाथ भी नहीं, शिव शंकर भोले भाले कहा जाता है। शिव नाम पहले, उनका गुणवाची नाम भोले भी पहले, शंकर नाम बाद में, तो भाले नाम उनका बाद में दिया हुआ है। अर्थात दुनिया के दुख देने वाले बड़े बड़े कांटों के लिए वो भाला है, और सुखदायी फूलों के लिए वो बड़े से बड़ा फूल किंग फ्लावर कमल का फूल है। इसलिए शंकर का आसन प्राय करके कमल फूल भी दिखाया जाता है।
तो जो रथ पर सवार है वो रथ है कमल फूल के समान स्टेज को धारण करता है। जैसे फूल कितना भी बड़ा हो परंतु बहुत हल्का होता है, हल्का स्वभाव संस्कार, कोई भी प्रकार का बोझ नहीं। जो बोझ अनुभव करते हैं जरूर देह अभिमान का बोझ है, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है, नहीं तो एक सेकंड में निराकारी स्टेज बन जानी चाहिए। इसलिए मुरली में बोला भी है कि बाप दादा चाहे तो अभी भी वापस परमधाम जा सकते हैं, परंतु बच्चों के लिए रुके हुए हैं। बच्चों की अवस्था भी नंबर वार निराकारी बने, 4.5 लाख बच्चे हैं जो इस दुनिया में इस शरीर के रहते रहते निराकारी स्टेज बना लेते हैं। और शरीर के रहते रहते परमधाम की स्टेज को अनुभव कर लेते हैं। उनका ऑलराउंड पार्ट गाया हुआ है, पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं जो ऑलराउंड पार्टधारी होते हैं नाटक में, वो हीरो पार्टधारी समान कहे जाते हैं। तो रथ का बड़ा गायन है। गीता के फर्स्ट पेज पर कौन सा चित्र दिखाते हैं है? रथ का चित्र दिखाते हैं। भगवान आया तो काहे पर सवार होके आया? रथ पर सवार होके आया। मनुष्यों ने समझ लिया कोई स्थूल रथ होगा, उन्हीं मनुष्यों ने ये गलतफहमी कैसे धारण कर ली जिन्होंने शास्त्रों में भी लिख दिया शरीरम रथम विद्धे इंद्रियाणि हयान्याहु। शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ, फिर भी गलतफहमी हो गई। मनुष्य की बिगारी बुद्धि, भिकारी बुद्धि ये तालमेल नहीं बैठा सकी कि वो शरीर रूपी रथ कौन सा है जिस रथ पर सवार होकर वो निराकार परमेश्वर इंद्रियों को कंट्रोल करता है। और शरीर रूपी रथ को संचालन करता है। न समझ पाने के कारण उन्होंने कृष्ण का साकार का नाम लगा दिया। कृष्ण तो शरीरधारी है, शरीरधारियों को कलाओं में बांधा जा सकता है। भगवान तो निराकारी है, उसके लिए तो गायन है, मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्रों में ही गायन है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कलाओं से अतीत है, चार युगों रूपी कल्प का अंत करने वाला है। भगवान मनुष्य कैसे हो सकता है? मनुष्य तो काही उसे जाता है जिसका मन चलायमान हो।
मन चलाए माने है तो प्रजापिता हो सकता है। प्रजापिता की संतान प्रजा हो सकता है 500-700 करोड़ में से, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो तब ही कहा जाएगा जब मन के ऊपर कंट्रोल कर ले। भगवान तो सदैव मन चैन में रहने वाला है, उसको मन का क्या काम, वो तो मनुष्य आत्माओं के भी मन को राजयोग के द्वारा कंट्रोल करना सिखाता है। उसका मन कैसे वशीभूत होने से परे हो जाएगा। मननाथ मनुष्य कहा जाता है, जो सोचता है विचारता है उसे मनुष्य कहा जाता है। अरे भगवान को भी सोचने की जरूरत है, भगवान तो सदैव ही असोचता अभोक्ता है। वो अभोक्ता भगवान निराकार ज्योति बिंदु शिव कोई मनुष्य के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है तो वो रथ मशहूर है, शास्त्रों में भाग्यशाली रथ के रूप में भी गाया हुआ है, जो ज्ञान गंगा लाने के निमित्त बनता है। ज्ञान कोई पानी की गंगा में नहीं आता है, चैतन्य गंगाओं में भी ज्ञान नहीं आता है। ज्ञान तो आता ही है 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि के बीच, जो सर्व मनुष्य मात्र का पिता है, सर्व मनुष्य मात्र का बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप है। धर्म पिता है वो भी एडम आदम को मानते चले आए हैं। वो ही एडम आदम भारतीय सभ्यता में आदि देव शंकर के रूप में मान्यता प्राप्त है। जैनियों में उसे आदिनाथ कहा गया। वो आदिनाथ में वो परम पिता परमात्मा शिव संसार के सामने प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। और घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि में जन्म लेता है। ऐसी अज्ञान की घोर रात्रि कि जिसमें 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं तो भक्ति के अंधकार में डूबी हुई होती ही है, परंतु उनमें से जो चुनिंदा श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्हें भगवान ब्रह्मा के रूप में ब्राह्मण बनाता है, वो ब्राह्मण आत्माएं भी ईश्वरीय ज्ञान लेने के बावजूद भी 63 जन्मों के स्वभाव संस्कार के अनुसार याद की पूरी प्रैक्टिस न होने के कारण शूटिंग पीरियड में फिर अज्ञान के अंधकार में डूब जाती है। और इतना ही नहीं, जैसे गीता में और शास्त्र में गाया हुआ है कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई,
का मतलब 500-700 करोड़ में से थोड़े से ब्राह्मण निकलते हैं। ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनने वाले अपने जीवन को परिवर्तन में लाने वाले नंबर वार उन ब्राह्मणों से भी चुनाव किया जाता है जो भगवान की गुह्यतम गुह्य पढ़ाई पढ़ते हैं, जिसके लिए गीता में बोला है गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। गुह्य ज्ञान से भी गुह्य ज्ञान सुनाता हूं, ऐसी गुह्य नॉलेज लेने वाले ईश्वर की टॉप मोस्ट पढ़ाई पढ़ने वाले वो भी शूटिंग पीरियड में 63 जन्मों के स्वभाव संस्कार के आधार पर माया के चंबे में आ जाते हैं और अज्ञान के अंधेरे में डूब जाते हैं। बेहद के ब्राह्मणों की दुनिया की भी ये हालत हो जाती है। तब उस अज्ञान अंधकार की रात्रि का नाम पड़ता है महाशिवरात्रि। कोई नहीं जानता ये शिव की जयंती का टाइम है, इसलिए भक्ति मार्ग में कोई भी शिव जयंती नहीं मनाते। क्या मनाते हैं? शिवरात्रि मनाते हैं। ये तो अधूरे नॉलेज लेने वाले ब्राह्मण सन 36 के बाद दुनिया के देखा दूने नकल करके शिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि अथवा शिव जयंती का पर्व मना लेते हैं। उनसे पूछा जाए कि शिवरात्रि के दिन ही तुम ये पर्व क्यों मनाते हो, तुम्हें कैसे पता चला कि इस शिवरात्रि के दिन ही भगवान आते हैं, तो बता ही नहीं सकते। तो भगवान के आने का तो टाइम किसी को पता ही नहीं चलता। अरे भूत प्रेत मनुष्य आत्माएं प्रवेश करती हैं तो सबको पता लग जाता है इसमें भूत प्रेत का आवेश हुआ, चेहरा मोहरा बदल जाता है। तो मनुष्यों की प्रवेशता में और भगवान की प्रवेशता में तो जमीन आसमान का अंतर है। मनुष्य आत्माओं को सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतर के पापों के बोझों से बोझिल होता है, इसलिए भटकता रहता है। ऐसी बोझिल आत्मा जिस किसी भी मनुष्य में प्रवेश करती है तो उस मनुष्य की आत्मा दब जाती है, यहां तक कि उन्हें अपनी भी स्मृति नहीं रहती। जैसे गुलजार दादी में मनुष्य आत्मा ब्रह्मा प्रवेश होती है तो गुलजार दादी को अपनी स्मृति नहीं रहती, चेहरा मोरा साफ बदल जाता है। परंतु भगवान की प्रवेशता ऐसी नहीं होती। परमपिता परमात्मा शिव की आत्मा में तो कोई भी पापों का बोझ नहीं है, वो तो कभी पापात्मा बनता ही नहीं। पाप आत्मा कहा जाता है, पाप परमात्मा नहीं कहा जाता। पुण्य आत्मा कहा जाता है, पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। जो जन्म मरण के चक्र में आएगा वो पाप पुण्य भी करेगा,
अरे परम पिता परमात्मा तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आते, तो पाप पुण्य से उनका कोई भी लेना देना नहीं, इसलिए वो आत्मा तो हल्की फुल्की है और सदैव ही हल्की फुल्की है। जिस किसी भी मनुष्य रूपी रथ में प्रवेश करती है, भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होना है अथवा ब्रह्मा के रूप में नहीं भी प्रवेश प्रत्यक्ष होना है, तो भी कब आती है कब जाती है किसी को पता भी नहीं चल सकता। इसलिए मुरली में बोला है, पता कैसे चलता है कि इनमें बाप भगवान है, इन्हें ब्रह्मा को पता चलता है क्या? ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता तो दूसरी आत्माओं देखने वालों को कैसे पता चलेगा कि कब भगवान आता है कब चला जाता है। श्री भगवान की प्रवेशता का जब पता ही नहीं चलता तो जन्मदिन कैसे मनावेंगे? उनका तो जन्म भी दिव्य है, मनुष्यों के सदृश जन्म नहीं है कि गर्भ के अंदर छुपा बैठा है तो गुप्त है और गर्भ से बाहर आया तो प्रत्यक्ष है माने जन्म है। उनका तो बेहद का जन्म है, जरूर कोई शरीर रूपी रथ है, जिस शरीर रूपी रथ के बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश तो है लेकिन कोई जान नहीं सकता निश्चयात्मक बुद्धि से कि भगवान आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। घड़ी घड़ी मनुष्य निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते रहते हैं, अरे ये भगवान है या नहीं है, घड़ी घड़ी में है घड़ी घड़ी में नहीं है। एक भी मनुष्य आत्मा को यह पक्का निश्चय नहीं हो पाता कि भगवान मुकर्रर रूप से इसी रथ में आया हुआ है। इसलिए उसे जन्म नहीं कहेंगे, ज्ञान गर्भ कहेंगे। जो चीज है गर्भ में समाई हुई है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब प्रत्यक्ष होता है तो ऐसे ही प्रत्यक्ष होता है बेहद के रूप में, जैसे हद की दुनिया में बच्चा प्रत्यक्ष होता है। बच्चा पहले किसके सामने प्रत्यक्ष होता है? है माँ के सामने प्रत्यक्ष होता है। तो भगवान की रची हुई जो ब्राह्मणों की सृष्टि है, उस ब्राह्मणों की सृष्टि में कौन सा ब्राह्मण है जिस ब्राह्मण में पहले पहले भगवान प्रत्यक्ष होता है? प्रजापिता, अभी तो आपने बताया कि अम्मा को प्रत्यक्ष होता है बच्चा, बच्चा गर्भ में आता है तो बाप को कुलूर बुलूर होती है पेट में कि अम्मा को होती है? हैं? माँ को होती है, माँ को पता चलता है। इस ब्राह्मणों की सृष्टि में कौन सी माँ है जिस माँ को साक्षात्कार के आधार पर अंदर ही अंदर ये अनुभूति होती रहती है? जगदम्बा। दादा लेखराज तो शरीर ही छोड़ गए, अरे मुर्दों के कैसे प्रत्यक्ष हो जाएगा? जगदम्बा जगदम्बा
जगदम्बा को अगर ये प्रत्यक्ष हो जाए पहले पहले कि भगवान बाप आया हुआ है, तो जगदम्बा रुद्रमाला का मणका नहीं है, है? जब रुद्रमाला का मणका है तो रुद्रमाला के मणके पुरुष हैं या स्त्री हैं स्वभाव संस्कार से? और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? सब दुर्योधन दुशासन। इसलिए जो दुर्योधन दुशासन है वो कैसे जाने? पहले पवित्र आत्माओं को अनुभूति होनी चाहिए या पवित्र आत्माओं को अनुभूति होनी चाहिए? ये रुद्रमाला के मणके तो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं विकारी, इनको कैसे अनुभूति हो सकती है? ये तो घड़ी घड़ी निश्चय और घड़ी घड़ी अनिश्चय के चक्र में आते रहते हैं। तो बताओ ब्राह्मणों की दुनिया में वो पवित्र आत्मा कौन हो सकती है? जो माताओं कन्याओं, खास करके भारत की कन्याओं माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत माता है साक्षात, जिसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो भगवान बाप प्रत्यक्ष होते हैं बच्चे के रूप में नहीं, स्थूल बच्चे के रूप में नहीं, ये तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। जैसे बच्चा प्रत्यक्ष होता है तो माँ को पहले प्रत्यक्ष होता है, बाद में जो परिवार के लोग हैं वो पहले पहचानते हैं। घर परिवार के पहले पहचानेंगे, फिर मोहल्ला पड़ोस के लोग जानेंगे, फिर गांव वाले जानेंगे, फिर जनपद वाले जानेंगे, फिर दुनिया वाले जानेंगे। ऐसे नहीं कि सारी दुनिया के सामने एक साथ प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जावे। तो भगवान की प्रत्यक्षता रूपी जन्म भी दिव्य है। लौकिक सदृश नहीं है, जब प्रत्यक्ष होगा तो जिनके सामने प्रत्यक्ष होगा उनके अंदर जय जयकार के नगाड़े बजेंगे। और कोई ऐसे उनके विरोधी भी होंगे जिनके अंदर हाहाकार बजेगी, हाहाकार बीतेगा। ऐसा नजारा भी दुनिया में सामने आवेगा, एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। तब कहेंगे ज्ञान की गंगा प्रैक्टिकल में आ गई, सौ परसेंट ज्ञान की गंगा प्रत्यक्ष हो गई, अर्थात जो गायन है ज्ञान गंगाएं निकली बाद में तो जरूर आदि में भी निकली होगी, जो आदि में सो अंत में। अंत में ज्ञान गंगा प्रत्यक्ष हो जाती है। कैसे प्रत्यक्ष होगी? जरूर ईश्वरीय ज्ञान की सबसे जास्ती सेवा करने वाली होगी।
भगवान बाप को संसार में प्रत्यक्ष करने वाली होगी। जो मुरली में बोला है कि बड़े बड़े सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों का नाम बाला हो जाएगा, इसका मतलब कि बड़े बड़े सन्यासी जो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं हैं, पवित्रता के संस्कार को विरुद्ध को धारण करने वाली हैं, वो ज्ञान की गहराई को इतना उठाती है कि संसार में अज्ञानियों का और अज्ञान का खंडन कर देती है। जैसे भारतवर्ष में 1200 वर्ष पूर्व 1400 वर्ष पूर्व शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में विधर्मियों के ज्ञान का अज्ञान का खंडन कर दिया और भारत देश की चारों दिशाओं में चार मठ स्थापन कर दिए थे। तो विधर्मियों का खंडन करना इस सन्यासियों का काम है। और गंगा भी उन्हीं सन्यासियों की माँ बोली जाती है जिन सन्यासियों में भीष्म पितामह प्रसिद्ध हुए हैं। आज भी गंगा के किनारे जाके देखो, जब पुरुषार्थ की ठंडी का मौसम होता है तो आज भी वो सन्यासी गंगा के किनारे चौकड़ी मार के ऐसे बैठते हैं जैसे मैं बैठा हुआ हूं। बच्चा होता है ना, तो बच्चा माँ की गोद के ऊपर सोता है, वो सन्यासी जन्म जन्मांतर के ज्ञान के चात्रक हैं और पवित्रता के भी चात्रक हैं, परंतु उनको रास्ता नहीं मिलता। ऐसी आत्माएं जब ब्राह्मण बच्चों के सहयोगी बनती हैं तो संसार में भगवान की प्रत्यक्षता क्यों नहीं होगी। तो गंगा भी निकलती है, फिर और भी सहायक नदियां निकलती हैं, यमुना भी निकलती है, गोमती घाघरा सभी नदियां निकलती हैं और अंत में जाकर के ब्रह्मपुत्रा नदी से मिलती है गंगा, इसकी पुत्रा है ब्रह्मा की पुत्रा। ब्रह्मा की पुत्री है तो जरूर ब्रह्मा कुमारी होगी, और पक्की ब्रह्मा कुमारी होगी या कच्ची ब्रह्मा कुमारी होगी? पक्की ब्रह्मा कुमारी, पक्का पक्का ब्रह्मा को फॉलो करने वाली। वो ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मपुत्रा नाम से संसार में प्रत्यक्ष होती है, जो सदैव ऊंची ऊंची स्टेज में पहाड़ों पर ही बहती है, अंत में जाकर के गंगा से मिलती है, तब फिर गंगा सागर का मेला मनाया जाता है। इसके लिए गायन है, और मेले बार बार गंगा सागर एक बार खेल खलास।
अब ये अंतिम गंगा सागर का मेला होने वाला है। सारे संसार में भगवान बाप तेजी से प्रत्यक्ष होने वाला है। तो भागीरथ का नाम प्रत्यक्ष है और प्रसिद्ध है, क्योंकि ज्ञान गंगा को लाने के निमित्त बनता है। ज्ञान कोई स्त्री चोले से नहीं आता है, ज्ञान तो भगवान से आता है। अज्ञान मनुष्य गुरुओं से आता है। अज्ञान कहो, भक्ति कहो, ज्ञान तो एक बाप ही देता है, परंतु ये जरूर कहेंगे पहले पहले ज्ञान बुद्धि का विषय है। बुद्धि रूपी पेट में पहले रमण करता है, तो जब तक भागीरथ की बुद्धि रूपी पेट में रमण करता है तो उसका गायन होता है कि गंगा आई तो, लेकिन कहां समा गई? जटाओं में समा गई। वास्तव में जटाओं में नहीं समा जाती, ये तो जटाएं, ये बुद्धि रूपी खोपड़े में ही जटाएं निकलती। और मनुष्य का जो खोपड़ा है वो जन्म जन्मांतर से विकारी है या निर्विकारी है? विकारी है। मानवीय बुद्धि अपने अपने तरीके से गीता का रहस्य बताती है, गीता की व्याख्या करती है, परंतु असली व्याख्या तो भगवान बाप ही करते हैं। यज्ञ के आदि में भी गीता के ही अर्थ बैठ सुनाते थे। अभी भी दुनिया में शास्त्रों के बीच में सर्वोपरि ग्रंथ कौन माना जाता है? श्रीमद् भगवत गीता। दुनिया के जितने भी वेद शास्त्र ग्रंथ हैं उनमें गीता ही सर्वोपरि है, जो भगवान की गायी हुई मानी जाती है। परंतु गलती से देहधारी का नाम डाल दिया, जो देहधारी देवकी माता के गर्भ से जन्म लेते दिखाया गया। देहधारियों से पालना लेते हुए दिखाया गया है। वास्तव में भगवान को तो पालना की जरूरत ही नहीं है, वो तो सारे संसार का पालन करता है। सारे सृष्टि का धरता भरता है, भगवान की पालना और जन्म कौन देगा? वो तो सबका बाप है, बापों का बाप है, उसको तो सभी पुकारते हैं, क्योंकि सब पतित बन जाते हैं तो सब पुकारते हैं, आओ पावन बनाओ। तो जरूर जिसमें पहले पहले आता है वो भाग्यशाली मनुष्य भागीरथ कहा जाता है।
जिसमें बाप की पहले पहले प्रवेशता होती है। बाकी गंगा की बात नहीं है, ज्ञान गंगा की बात है। मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है? गंगा का पानी बहता है क्या? नहीं, जब ज्ञान की गंगा बहती है तो पता चलता है कि इनमें बाप भगवान है। बाकी गंगा की बात नहीं है, वो तो भगवान का रथ है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं। बहुत जन्म होते हैं 84, और 84 जन्मों का भी अंत का टाइम वो है जब भगवान बाप प्रत्यक्ष होता है। ओम शांति।